हेलो एवरीवन, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण हमने उस वाले वीडियो को बीच में रोक दिया था। मैं उसी वाले वीडियो मतलब इसके जस्ट पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूशन में बता रहा हूँ। ये वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको फिर से मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, इसे सुन लीजिए एक बार। ये क्वेश्चन मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिलेगी, ठीक है। ये वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूँ, एक बार इतना से सुन लीजिए। सेम टू सेम लॉजिक के दोनों क्वेश्चन है। देखो, जब मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जब कोई मैं कोई कंसेप्ट बताना होता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन उसका नहीं लेता हूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ ताकि अलग अलग कंसेप्ट के अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू आपको उस कंसेप्ट को समझाया जा सके। तो ये दूसरा क्वेश्चन है लेकिन सेम कंसेप्ट का, आपको और अच्छे से एक्सेप्टेंस आएगा इससे। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, कहता है इन अ टेक्सटाइल मिल द डेली प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 कलर्स ऑफ यर्न, यर्न मतलब धागा है वो दरअसल, रेड 40%, ब्लू 35% एंड ग्रीन 25%। इट इज सीन दैट 2%, 5%, 7% ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन यर्न्स आर डिफेक्टिव। What is the probability that the yarn selected at random is defected and green in color? एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक टेक्सटाइल मिल है जहाँ पर दरअसल धागे बनाए जा रहे हैं। धागे कौन कौन से कलर के बन रहे हैं? रेड, ब्लू और ग्रीन। कितने कितने परसेंट में? 40%, 35% और 25%, ठीक है। और ये देख लिया गया कि जो ओवरऑल जो है, मतलब कि जो धागे बने हैं उसमें जो रेड है उसका 2%, जो ब्लू है उसका 5% और जो ग्रीन धागे हैं उसका 7% जो है डिफेक्टिव निकल गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हमने एक धागा यान सेलेक्ट किया और वो डिफेक्टेड हो गया, तो ये बताइए कि वो ग्रीन कलर का निकला होगा, समझ गए। मतलब डिफेक्टिव तो निकलेगा ही निकलेगा, आपको ये बताना है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ग्रीन कलर का निकल जाए। कंफर्टेबल है अपन इसमें? तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को पिछले वाले वीडियो से देख करना है अगर आपने देखे हो तो, और फिर इस वाले क्वेश्चन को खुद से बनाना है। अभी आप वीडियो पॉज करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को भी खुद से बनाएंगे, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन आप देखेंगे। मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, आपको सॉल्यूशन मैं इसमें सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन मेरी सलाह है कि आप इसे एक बार खुद से बनाइए। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे ना बच्चे लोग, तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं बनेगा, है ना। पेन कॉपी लो और थोड़ा खुद से सॉल्व करो। आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। अब मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है वो, मैंने इसी तरीके से वहाँ पर कॉलम बनाए हुए थे, तो ये कॉलम रिपीट कर दे रहा हूँ। इस बार ये रेड कलर है अपने पास, ब्लू कलर है अपने पास और ग्रीन कलर है अपने पास। ये टोटल आउटपुट है और ये डिफेक्टिव है, ठीक है। तो रेड कलर का कितना परसेंट है? 40, 35, 25, ठीक है। और डिफेक्टिव कितने हो गए? 2, 5 और 7। 2%, 5%, 7%, ठीक है। चलो अब ज़रा ऐसे सुनते हैं, देखो इसे कन्वे कर रहे हैं। रेड कलर के 40% होंगे जिसमें से 2% जो है डिफेक्टिव हो जाएगा। तो मान लिया कि जो टोटल प्रोडक्शन है ना, लेट टोटल प्रोडक्शन 10,000 यान का है, टोटल मान लिया 10,000 धागे बनते हैं। अब मेरा ख्याल आप एक्सेप्ट कर पा रहे होंगे कि 10,000 धागे क्यों बनते हैं। मान लिया किसी बच्चे को कष्ट आ रहा हो, इसके पहले वाला वीडियो रन करो, ये क्वेश्चन देख करो तो समझ आ जाएगा। 10,000 इसलिए मैं मान रहा हूँ क्योंकि ये जो 40% से 00 निकलेगा, ये जो 2% से 00 निकलेगा, 00 00 हो जाएगा 40, और ये 40 यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि कैंसिल करेंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे। तो 40% ऑफ 10,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/100 into 10,000 इस क्वेश्चन, दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी अपने पास 400, ठीक है। और ये 2% अब 400 का निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2/100 into 400, तो ये दोनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 8, गॉट इट। तो मतलब मेरे को समझ में आ गया कि जो रेड कलर के जो डिफेक्टिव हैं वो 400 प्रोड्यूस होते हैं, और उसमें डिफेक्टिव कितने हो जाते हैं? 8, ठीक है। रेड कलर के 400 धागों में से 8 धागे डिफेक्टिव हैं। अब ये 8 कैसे आया होगा? ये है 40 और ये है 2। आई मैंने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, यहाँ पे 4,000 होगा ना, ये 4,000 होगा, चलो तो ये 4,000 होगा, 80 हो जाएगा। तो ये है 40, ये है 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 80, ये 80 आएगा ना, तो ये 35 है और ये 5 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 5 जो 125, 5 5 जो 25, और ऊपर चला जाएगा 5 3 जो 15 17, ठीक है, ये हो गया 175, गॉट इट। और इस तरफ आने वाला है 25 into 7, तो 7 और 5 जो हो जाएगा 35, ऊपर आ जाएगा 3,
एंड 7 टू जो 14 और 3 हो जाएगा 17, ठीक है, दोनों इक्वल आ गया, कंफर्टेबल है पर। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि डिफेक्टिव है रेड कलर का 80, डिफेक्टिव है ब्लू कलर का 175, डिफेक्टिव है ग्रीन कलर का 175, ठीक है, 5 × 5 = 25, 17 × 5 = 35 और 7 × 2 = 14, 3, ठीक बना एकदम। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी जानना है, प्रोबेबिलिटी में उसने क्या बोला है कि हम लोग एक ठोक सेलेक्ट करेंगे और वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, तो मतलब जो ओवरऑल जो नंबर देखा जाएगा वो सारा का सारा डिफेक्टिव में देखा जाएगा, क्योंकि वो बोल ही रहा है कि भैया हमको तो डिफेक्टिव मिल गया है, लेकिन डिफेक्टिव कौन सा चाहिए, ग्रीन का चाहिए, इसलिए ग्रीन वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये जब नंबर लिखो तो कैसा दिखाई देगा आपको, 175 upon 80 + 175 + 175, ठीक है, इसको ऐड करोगे आप 75 + 75 = 150 एंड 150 और 200 हो जाएगा 350, 350 और 50 हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 430 और ये हो जाएगा 175। देख लेना इसको कैलकुलेट करके कितना भी आया, ये इसका राइट आंसर है। दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम कंसेप्ट के थे, आप इत्मीनान से देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खासकर वो बच्चे जो MBA एंट्रेंस देना चाहते हैं, जो गेट एग्जाम देना चाहते हैं, जो इलिट में से कैंपस देना चाहते हैं, उनके लिए ये वाला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वही रहा प्रोबेबिलिटी का एक और बढ़िया कंसेप्ट, हम लोग जल्दी ही मिलने वाले हैं फिर और नए क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा।